थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, पर आप इसे 100% तक ठीक कर सकते हो मुझे फॉलो करके। हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान राणा एंड आई वेलकम यू इन हेल्थ सेहत चैनल। जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिकली होती है, या फिर हम ज्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इन सब से थायराइड होता है। जिस भी पर्सन को अगर एक बार थायराइड हो जाए उन्हें जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ती है, और मेडिसिन थायराइड को नहीं खत्म करता है, वो बस कंट्रोल करता है थायराइड को। थायराइड से आपको चक्कर आते हैं, आपकी आंखें अंदर चली जाती है। तो मैं आप लोगों के पास एक्सीलेंट आस्था लेके आई हूँ जिससे 100% थायराइड कम होगा, खत्म हो जाएगा, कम नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो आसन बताऊंगी जो आपको परफॉर्म करना है, और उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी प्राणायाम एंड कुछ प्रेशर पॉइंट्स जिसे आप प्रेस करके थायराइड को खत्म कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो हम सबसे पहले करेंगे शोल्डर स्टैंड पोज, ठीक है। उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपने दोनों लेग को 90 डिग्री तक उठाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रखेंगे और पैर को सीधा करेंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। स्टार्टिंग में आपसे ज्यादा होल्ड नहीं होगा, आप इसे मैक्सिमम 5 मिनट्स तक होल्ड कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड तक इसे होल्ड करेंगे। अब हम करेंगे हलासन। हलासन के लिए भी हम पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपने दोनों लेग को 90 डिग्री तक उठाएंगे जैसे हम सर्वांगासन में किए थे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को हम पीछे लेके जाएंगे, लाइक दिस। ऐसे आपको लेके जाना है। आप अपने पांव ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे रखना है, ठीक है। होल्ड करना है, आप स्टार्टिंग में 30 सेकंड तक होल्ड करोगे। इसके बाद हमें क्या करना है, पद्मासन लगाना है, और पद्मासन लगाने के बाद हम लेट जाएंगे। पद्मासन लगाने के बाद हम लेट गए। उसके बाद अपने हेड को ऐसे रख लेंगे और अपने इंडेक्स फिंगर से अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे, लाइक दिस। आपकी नी नीचे होगी एंड आपका एल्बो भी नीचे होगा, एंड आपको इसे होल्ड करना है। बात ये उठती है कि जो लोग थायराइड से ओवरवेट हो चुके हैं, जिनका वेट क्विंटल में जा चुका है, सर्वांगासन कैसे करेंगे, वो हल आसन कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी उपाय है मेरे पास। तो वो लोग करेंगे प्राणायाम, कपालभाति करेंगे वो, और अगर वो नहीं करवाते तो वो बस सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने नेक को लेफ्ट रोटेट किया, राइट रोटेट किया, लेफ्ट रोटेट किया, राइट रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। उनको बस ये सिंपल से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। अगर वो ज्यादा ओवरवेट हो चुके हैं, वो सर्वांगासन हलासन नहीं कर सकते, और वो करेंगे प्राणायाम, कपालभाति करेंगे। कपालभाति हम कैसे करेंगे, पहले आप ब्रीथिंग ले लो, ठीक है, लंबी गहरी 2-3 बार लंबी लंबी सांस भर लो, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति, लाइक दिस। आपका जो एब्डोमिनल है उसका कंप्रेशन और आपका जो ब्रीथ आउट कर रहे हो, वो दोनों सेम टाइम होगा, ठीक है। तो हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये करेंगे हम, और क्या करेंगे, ये जो प्राणायाम है ये वो लोग भी कर सकते हैं जो हल्लासन और
सर्वांगासन कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा हो गया, वो बस ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे नेक वाला और करेंगे प्राणायाम जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले हम करेंगे कपालभाति, उसके बाद करेंगे हम उज्जयी। उज्जयी कैसे करेंगे हम? ब्रीद करेंगे पहले करके, ठीक है? ब्रीद कर लिया। ब्रीदिंग को जो आपने किया है वो श्वास आप छोड़ेंगे नहीं, आपको लॉक करना है यहाँ और आपको सांस छोड़ना नहीं है, ठीक है? मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद जब मैं करूंगी तब मैं बोल नहीं पाऊंगी। आपने सांस लिया, आपको श्वास छोड़नी नहीं है, आपको ये चिन से चेस्ट को लगाना है और अपने श्वास को होल्ड रखना है। होल्ड रखेंगे हम, ठीक है? होल्ड रखेंगे हम, उसके बाद होल्ड में ही अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और जो हम श्वास को लिए थे और होल्ड रखे थे उसे हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकाल देंगे, ठीक है? तो अब मैं परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाती हूँ ये एग्जैक्टली किया कैसे जाता है, ठीक है? लाइक दैट, ठीक है? आपको बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करना है, इससे आपका थायराइड बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। आपकी जो हथेली है थंब के बिल्कुल नीचे, ये जो उठा हुआ पार्ट है, आपको इसे प्रेस करना है लाइक दिस, ठीक है? आप इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में भी प्रेस कर सकते हो और आप इसे ऐसे भी प्रेस कर सकते हो। आप इसे प्रेस करके थायराइड से छुटकारा पा सकते हो, थायराइड को कम कर सकते हो। और अगर आप, मैंने जितने आसन बताए हैं, प्राणायाम बताए हैं, वो सबको आप फॉलो करते हो और इसे भी प्रेस करते हो, तो आप 100% थायराइड से छुटकारा पा सकते हो। बस ये है कि आपको इसे रेगुलर बेसिस में फॉलो करना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि आपकी हेल्प से दूसरे किसी थायराइड पेशेंट की हेल्प हो जाए और वो थायराइड से छुटकारा पा सके। थैंक यू।